जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनावी माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इसके तहत ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक एक्सपायर्ड गठबंधन है। राहुल गांधी आए हैं और मैंने देखा कि वो आइसक्रीम खा रहे हैं। उन्हें धन्यवाद करना चाहिए नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने श्रीनगर को स्मार्ट सिटी और शांत सिटी बनाया है। लाल चौक जहां कभी पत्थरबाजों का गढ़ होता था, आज वो टूरिस्ट हब बना है और राहुल गांधी वहां जाकर आइसक्रीम खा रहे हैं। ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। उन्होंने कहा कि जनता जानना चाहती है कि आपका आतंकवाद पर क्या रुख है। एक एक्सपायर्ड गठबंधन है, एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह, लगाओ तो भी असर नहीं करेगा, ना लगाओ तो भी असर नहीं करेगा। लेकिन राहुल गांधी आए हैं और मैंने देखा है कि वो आइसक्रीम खा रहे हैं। उन्हें धन्यवाद करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया है और शांत सिटी बनाया है, विश्वास वाला सिटी बनाया है। जहां कभी पत्थरबाजों का गढ़ होता था, वो लाल चौक जहां पत्थरबाज पाकिस्तान का झंडा चढ़ा देते थे, आज वहां पर टूरिस्ट हब बना है।